हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये यूपी और बिहार में बहुत खाया जाता है और ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है और इतना टेस्टी है कि आप पूछिए मत। एक बार अगर बना के खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो आपको जिस भी क्वांटिटी में आपको बनाना है तो आप उस हिसाब से बैंगन ले सकते हैं। और बड़े वाले बैंगन लीजिए जिसमें बीज कम हो, जो ना एकदम नरम होते हैं, उनका ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और आप बैंगन को गोल गोल भी काट सकते हैं और ऐसे बीच में चीरा लगा दें, उसको पूरा कट ना करें, नहीं तो पकाते वक्त ना ऐसे कली कली करके निकल जाता है। तो इसके लिए हमने ये देखिए बीच बीच में चीरा लगा दिया है, इससे बहुत ही आसानी से पक जाता है। तो सारा हमने बैंगन तैयार कर लिया है, अब हम मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च, जो हमारे घर का ही है, सूख गया है, सरसों और लहसुन। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी आम की खटाई या मसाला या अमचूर, नींबू, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसाले हमारे पिस गए, इसमें हमने ऐड किया नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सब्जी मसाला और ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर। और अब हमने डाला 2 चम्मच धनिया, और उसके बाद हम डाला पानी जिस जार में हमने पीसा था। और इसको मिक्स करने के बाद आप तीखा, खट्टा और नमक तीनों आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो आप इसे तवा पे, कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में, मतलब किसी भी फ्लैट बर्तन में आप इसे बना सकते हैं। तो गांव में तो हमारे यहाँ इसको तवा पे ही बनाया जाता है, और ये बहुत ही गैस पे ना छीटा छीटा, जैसे तेल का जो छीटे आते हैं वो बहुत तेज़ पड़ता है। तो देखिए मसालों में हमने लपेट के और बैंगन को कढ़ाई में डाल दिया है, और इस पे हम थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे ऊपर से। इसमें अगर आप लोहे के तवे पे बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा तेल यूज होता है, और अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आपका तेल कम यूज होगा। तो एक बार ढकने के बाद ना आप इसको पलट दें, और ये देखिए, और इस पर से मसाले हट जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से उस पर मसाले लगा के और थोड़ी देर के लिए ढक दें, या जो मसाले इधर उधर है ना उसको आप आराम से उस पर लगा सकते हैं। हमको तो बैंगन से ज़्यादा इसके मसाले टेस्टी लगते हैं। आप इसको रोटी, चावल और ये ना सादा चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे रोटी और ये बैंगन की कलौंजी खाइए, नहीं तो दाल, अरहर की दाल, चावल और इसको खाइए, क्या टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। तो देखिए एक पैच हमारा तैयार है, और पतले पतले बैंगन हैं तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, और इसे आप कम से कम 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। और आप चाहें तो इसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सफ़र में अगर आप गीली सब्जियां ले जाएंगे ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो सफ़र के लिए एकदम बेस्ट सब्जी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।